शाम होते होते अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। पुणे में रहकर काम करता था, ये अपनी बहन की शादी में आया हुआ था। जीरादेई, हम आपको बता दें, जीरादेई में जिस तरह घटना को अंजाम दिया गया, ये तो कहीं ना कहीं साबित है कि अपराधियों में प्रशासन का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सारण के DIG मनु महाराजन सिवान में मौजूद थे, तब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। हालांकि स्थानीय पुलिस की मदद से उसे सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए PMCH पटना रेफर कर दिया। लेकिन सवाल अभी ये उठता है कि इतनी बड़ी घटना को अपराधियों ने कैसे अंजाम दिया। संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। क्या हुआ है? देखिए, ये हम लोग वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे जीरादेई फील्ड पे, जहाँ से ये 10 मिनट पहले हम लोगों से पहले गया वहाँ से बाइक से, और अभी उसके बाद एक लड़का आया और सूचना दिया कि वहाँ पे कोई लड़का छटपटा रहा है। हम लोग दौड़ के गए तो ये वहाँ पे गिरा हुआ था। उसके 2 मिनट बाद पुलिस आई, उसका हम लोग देखे तो उसमें गोली लगा हुआ था इसके सर में। उसके बाद तुरंत हम लोग पुलिस कहीं गाड़ी में लोड किए और सीधे सदर अस्पताल लेके आए हैं। लड़का का नाम दिनेश कुमार सिंह है और उसके पिताजी का नाम है विजयमल सिंह। कहाँ का रहने वाला? जीरादेई का रहने वाला है। जी, प्रॉपर जीरादेई। जो खेल ग्राउंड था, खेल ये भी खेल रहे थे? नहीं, ये नहीं खेल रहे थे, ये बैठे थे साइड में। अच्छा। ये खेलते नहीं है, ये साइड में बैठे थे, हम लोग वहाँ खेल रहे थे। ये वहाँ से 10 मिनट पहले गए, इसलिए हम लोग को ध्यान था कि ये लड़का उधर गया है। इस तो ये नौकरी करने वाला व्यक्ति, ये विदेश रहता है, बाहर में इंडिया में नौकरी करता है, ये बस वहाँ से आया था और अभी इसके सिस्टर का शादी था, उसी में ये आया था। और अब ये आज ही बात हो रहा था कि ये पुणे जाने वाला था। अच्छा, अच्छा। नौकरी कमाने के लिए, और ये टिकट भी करने के लिए हमसे बोला कि अभी टिकट ऑनलाइन कर दो, हमको जाना है। और अचानक इसका ये ऐसा हालत हो रहा है। अब पता नहीं कौन फ़ोन करके बुलाया, ये तो हम लोग को नहीं पता है। अब मोबाइल में भी ये लॉक लगा हुआ है और उसके और ये खुलने के बाद पता चलेगा। नंबर दे दिया गया है पुलिस को, सब कुछ दे दिया गया है। अब देखिए, अभी नहीं नहीं, ये अभी चीज़ हम लोग को जानकारी नहीं है, क्योंकि ये लड़का दुश्मनी वाला है ही नहीं, ये सीधा साधा लड़का है, ये किसी से झगड़ा नहीं करता। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम मृत्युंजय कुमार सिंह है, हमारा घर जीरादेई ही है। अभी क्या स्थिति है? अभी तो सांस चल रहा है, अभी रेफर हो गया है, पटना जा रहा है।